जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप कर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक मास अपने आप में महत्वपूर्ण मास है। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास है और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया वृंदा का मास है, यानी कि तुलसी माता की पूजा करने का महीना है। तुलसी माता की पूजा करने से आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी जी की एक पौराणिक कथा आपसे कह रही हूँ। संपूर्ण कथाओं का निचोड़ है। इस कथा को प्रतिदिन अगर आप सुनते हैं, वैसे आप कार्तिक का महात्म पढ़ते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतिदिन आप जब तुलसी पूजन करें प्रातःकाल, और इस कथा को अगर आप सुनते हैं, तो आपसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपको आपके जन्म जन्म के पापों का अंत होता है। श्रीमद देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राज बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कॉलोनी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और अगर आप उस मंदिर ना जाएं और 40 दिन एक नियम लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी माता की विशेष पूजा यदि आप अपने घर के आंगन में ही करते हैं, तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, पापों का अंत होता है। ये थी तुलसी माता के अवतरण की कथा, उनकी पूर्ण जन्म की कथा, किस प्रकार भगवान विष्णु से उनका संयोग हुआ इसकी कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा,
और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करें।